हमारा क्वेश्चन है, हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हूज लेंथ एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 18 एन। ब्रेथ कितनी? 8। पहले रेक्टेंगल होता क्या है? जिसकी टू साइड इक्वल होती है। ये एक बॉक्स है जो रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें ये इक्वल होती, ये लेंथ होती, ये भी तो लेंथ होती, ये ब्रेथ होती, ये ब्रेथ होती, तो ये इक्वल होती और ये इक्वल होती, ठीक है। तो अब हमें लेंथ, ये लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ हमें दे रखी 18 सेंटीमीटर, और ये ब्रेथ है तो ये भी उतनी होगी जितनी होगी, बराबर होती। तो ब्रेथ कितनी दे रखी हमें? हमें ब्रेथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल। पैरामीटर का मतलब क्या? जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, पूरे यहां से यहां तक इसको नापना होता। पैरामीटर का मतलब पूरी लंबाई चौड़ाई उसकी कितनी है, यहां से हम नापेंगे तो इसकी पूरी लंबाई मेजरमेंट कितनी है। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं? हमारा होता है L, 2L है तो 2L प्लस B प्लस 2B है तो B, ठीक है। ऐसे में हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2L है तो 2L है, ये 2B है तो 2B है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट कैसे करते थे हम? 2L प्लस B कर देते हैं फॉर्मूले में। अब हम ये फॉर्मूला बन जाता है, इसलिए तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? 2L प्लस B। तो हम फॉर्मूला लेते हैं 2, तो 2L कितना हमारा? 18 है, और B कितना है? 8 है, ठीक है। तो पैरामीटर P फॉर पैरामीटर, ठीक है, और इसको इन कर दो प्लस 8 कितना देख 16, और ये 2। अब इनको कर दो हमें मल्टीप्लाई, 6 टू जो 12 और 2 टू जो 4 इन 5, तो हमारा पैरामीटर कितना है? 52। अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ ये कितना था हमारा? 18 था, ये भी 18 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इनको प्लस कर दो तो 52 आएगा, ठीक है। तो थैंक यू।